जिला कांगड़ा के चंगर क्षेत्र तहसील खुंडिया की स्माइल फाउंडेशन संस्था ने खुंडिया तहसील के अंतर्गत जोला पंचायत के जरूनड़ी गांव में पिछले 4 वर्षों से गंभीर बीमारी व किडनी की समस्या से जूझ रही नीलम कुमारी को ऑपरेशन करवाने के लिए 21,000 की आर्थिक मदद पहुंचाई। महिला नीलम बचपन से ही पोलियो से ग्रसित है और पिछले 4 वर्षों से गंभीर बीमारी व किडनी की समस्या से जूझ रही है और इनमें से इलाज व ऑपरेशन करवाने के लिए पैसों की सख्त आवश्यकता थी। नीलम के पति कस्तूरी लाल हर जगह जाकर बड़ी मुश्किल से पत्नी के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे और उनकी आय का भी कोई साधन नहीं है, पर जब स्माइल फाउंडेशन खुंडिया को इस जरूरतमंद परिवार के बारे में पता चला तो संस्था के सदस्यों ने अपने काम के अनुरूप किडनी से ग्रसित महिला की सहायता करने का वचन दिया और इनके ऑपरेशन के लिए 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। महिला का इलाज शिमला में IGMC अस्पताल में चल रहा है और इस गरीब परिवार के लिए इतनी दूर जाना और इलाज करवाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। स्माइल फाउंडेशन के सदस्य प्रवक्ता कुलदीप राणा, राजिंदर राणा, राजेश राणा, शमशेर सिंह, अंशुल जसवाल और रोकी राणा ने सरकार प्रशासन और पंचायत प्रधान से इनकी हर संभव मदद करने की अपील की है ताकि महिला स्वस्थ हो सके और परिवार खुशहाल रहे। कार आज स्माइल फाउंडेशन पहुंचा है खुंडिया तहसील के अंतर्गत पड़ने वाले झोला गांव में। वहां पे एक बेहद ही निर्धन परिवार है जिनके मुखिया कस्तूरी लाल जी, जिनकी पत्नी जन्म से ही पोलियो से ग्रसित है और पिछले 4 सालों से वो किडनी की बीमारी से जूझ रही है और उनका इलाज IGMC शिमला में चल रहा है। कस्तूरी लाल जी, जिनकी आय का कोई भी साधन नहीं है, वो अपनी पत्नी के इलाज के लिए गांव-गांव जाकर पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। जब स्माइल फाउंडेशन को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने अपने कार्य के अनुरूप उनको उनके घर जाकर उनको 21,000 रुपये की आर्थिक मदद पहुँचाई है। मेरा पंचायत व प्रशासन से अनुरोध है कि वो इस परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करें और मेरा समस्त इलाकावासियों से अनुरोध है कि वो इस परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें।